देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस तो दुनिया भर में हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएई हो या यूएसए। ऐसे में चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान ने अपनी पहली वेब सीरीज लॉन्च की, जिसका नाम है बार ऑफ ब्लड, और ये वेब सीरीज अगले महीने नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। इस वेब सीरीज की अगर बात करें तो इमरान हाशमी इसमें मुख्य रोल निभा रहे हैं, और वहीं साथ में इमरान हाशमी के नजर आने वाले हैं विनीत कुमार सिंह। इस वेब सीरीज की स्टोरी की अगर बात करें तो साफ साफ ये नजर आता है कि किस तरह से तीन इंडियन स्पाई जाते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, वहां पे फंसे हुए इंडियन लोगों को वहां से बचाते हैं। कल रिलीज हुए इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब ये बयान आता है कि शाहरुख खान ने कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों को टेररिस्ट बताया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के मेजर जनरल आसिफ गफूर का ये मानना है कि शाहरुख खान ने ये ठीक नहीं किया, और साथ ही साथ उन्होंने शाहरुख खान के लिए इंग्लिश में ये लिखा कि स्टे इन बॉलीवुड सिंड्रोम, यानी कि आप अपनी हद में रहो, अपने बॉलीवुड के जो काम है वो करो, और हमारे पाकिस्तान के बारे में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं आसिफ गफूर का ये भी कहना है कि इस तरह की वेब सीरीज बना के आखिर कुछ मतलब नहीं होने वाला है। अगर असलियत जाननी है तो असलियत में कुलभूषण जाधव हो या फिर अभिनंदन हो, उन्हें पाकिस्तान की आर्मी ने पकड़ा था। वहीं शाहरुख खान को उन्होंने ये भी नसीहत दे दी, अगर अच्छा ही कुछ करना चाहते हैं तो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में पीस फैलाएं। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वैसे ही इंडियन फैंस इस पे अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि शाहरुख खान इस पर आखिरकार क्या रिप्लाई देते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो मुंबई प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।